नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजी और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। भदोई में रविवार रात करीब 8 बजे आरती के समय दुर्गा पंडाल में भीषण आग लग गई। वहीं इस आग में 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इनमें से 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं हादसे में 67 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। गंभीर रूप से झुलसे लोग इलाज में अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इनमें 82 लोगों को वाराणसी रेफर किया गया है। बीएचयू के सुपर स्पेशलिस्ट बर्न इमरजेंसी में 10 से 14 बीएचयू को ट्रांसफर किया गया है और 3 को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वहीं हालत चिंताजनक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनमें एक बच्चे का सोमवार सुबह परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। एसटीआई टीम जांच में प्रथम द्वितीय पाया गया है, बाकी जांच जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी से हादसे के बारे में जानकारी ली और झुलसे लोगों के बेहतर इलाज का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भदोई के औराई कोतवाली के नरथुआ स्थित एकता दुर्गा पूजा पंडाल में रविवार रात करीब 8 बजे आरती के समय भीषण आग लग गई। भदोई डीएम गौरांग राठी ने इसकी पुष्टि की है। दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग में बच्चे और महिलाएं बुरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं 5 की मौत हो गई है। वाराणसी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करीब 20 लोगों की हालत चिंताजनक है। मृतकों में अंकुश सोनी 10 वर्ष, हर्षवर्धन 8 वर्ष, नवीन 10 वर्ष, जया देवी 45 वर्ष और आरती चौबे 48 वर्ष शामिल हैं। मृतक अंकुश सोनी गांव अधोई का रहने वाला है। बाद में एजीडी जोन राजकुमार और विध्याचल कमिश्नर योगेश रामकृष्ण डीएम गौरांग राठी के अनुसार आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। दमकल टीम ने घंटे के बाद काबू पाया। वहीं सूचना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी से हादसे के बारे में जानकारी ली और झुलसे लोगों के बेहतर इलाज का प्रबंध करने के निर्देश दिए। एडीजी जोन राजकुमार ने 4 सदस्य एसटीआई गठित कर दी है। इसमें अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अध्यक्ष और फायर सेफ्टी ऑफिसर शामिल हैं। वहीं राजकुमार ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।